हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ तीन इंग्रेडिएंट से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो बर्फ़ी है ना, इसे बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल मार्केट जैसी ही बर्फ़ी हमारी घर में बन करके इस तरीके से तैयार हो जाएगी। कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस बर्फ़ी को बनाने के लिए, चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इस बर्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और अब हम कढ़ाई में ऐड कर देते हैं 3/4 कप घी। देसी घी का ही यूज़ करना है, किसी भी मतलब रिफाइंड ऑयल का वगैरह का यूज़ नहीं करिएगा, नहीं तो बर्फ़ी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो घी डाल देंगे, गैस को ऑन करेंगे, थोड़ा सा हल्का घी गर्म होने देंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पे जिस कप से हमने घी लिया था ना, उसी कप की माप से हमने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। मैदा भी हम 2 कप मैदा घी में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमें घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो घी और मैदा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम यहाँ पे 1/4 कप घी और ऐड कर देते हैं। तो लगभग इस बर्फ़ी में 1 कप घी का यूज़ हमें करना है। तो ये जो बर्फ़ी मैं बना रही हूँ, 2 कप मैदा लिया है और 1 कप हमने भर के घी ले लिया है। उसी सेम कोई भी कटोरी कप आप सेट कर सकते हो, उसी से आप मेज़रमेंट करिएगा तो आपकी जो बर्फ़ी है ना, बिल्कुल परफेक्ट ऐसी जैसे मैंने बना करके तैयार की, सेम ऐसे ही बनने वाली है। तो अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे पका लेंगे, मतलब मैदा पकना बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यू हमें चलाते हुए इसे पकाना है, लगभग 10 से 12 मिनट जाएगा और मैदा बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो अब बात आती है कि हम समझेंगे कैसे कि मैदा अच्छे से पक चुका है, इसका कलर भी नहीं चेंज होना चाहिए और मैदा भी हमें अच्छे से पकाना है। तो जब आपको इस तरीके से बिल्कुल लाइट मतलब फ्लफी सा लगे ना, झाग जैसा, तब आप समझ लीजिएगा कि मैदा अच्छे से पक चुका है। मतलब घी है ना, अच्छे से मेल्ट और गीला गीला सा लगने लगेगा, तभी आपको गैस को ऑफ कर देना है, मैदे को थोड़ा ठंडा होने देंगे। कुछ तैयारियां और कर लेते हैं। तो इधर मैं बर्फ़ी को सेट करने के लिए मोल्ड तैयार कर रही हूँ, बटर पेपर लगा लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आप लाइक करें उन्हें कट करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 1 कप शुगर का यूज़ किया है, लेकिन मैंने शुगर पाउडर बना लिया था उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 कप शुगर को ग्राइंडिंग जार में डाल करके मैंने ग्राइंड कर लिया था और इस 1 कप शुगर पाउडर को मैं 2 बैच में ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने आधा ऐड किया है। तो 2 बैच में हम सारे 1 कप शुगर पाउडर को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, मतलब अच्छे से शुगर मिक्स नहीं हो रही है, तो फिर आप इस स्टेज पे गैस को थोड़ा सा ऑन कर लीजिएगा, मतलब हल्का गर्म होने दीजिएगा मिक्सचर को। बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो शुगर मेल्ट हो जाएगी और जो मिक्सचर है ना, बहुत ज़्यादा गीला सा हो जाएगा और सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पकाने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये जो बर्फ़ी का मिक्सचर है ना, हल्का जब गर्म हो तभी आपको शुगर पाउडर ऐड करना है यहाँ पे। तो मैंने गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। तो आपको उसी हिसाब से, मतलब हल्का गर्म, जितना कि आप उंगली डालें तो आपकी उंगली जले नहीं, हल्का सा गर्म लगना चाहिए जितना आप सहलें, तो इतने ही गरम में हमें शुगर को मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो जो मिक्सचर है ना, बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है, कढ़ाई छोड़ने लग गया, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब ही है कि हमारा जो बर्फ़ी का मिक्सचर है परफेक्ट है। तो जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा था ना बर्फ़ी को सेट करने के लिए, सारे मिक्सचर को हम उसी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे अच्छे से स्पैचुले की मदद से सेट कर लेते हैं। अब आप तो अपनी पसंद के अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लाइक करें यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस तरीके से, या आप इस बर्फ़ी को प्लेन भी रख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स लगाएं ही, लेकिन जब आप ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से स्प्रेड करोगे ना, तो देखने में बहुत ही परफेक्ट लगे कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारी बर्फ़ी बनने वाली है, देखने में भी और टेस्ट में भी। तो बस अब अच्छे से हमने मोल्ड को सेट कर लिया है। अब इसे हम लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट में रखेंगे, और या जब तक कि हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं हो जाती है।
तो अब मैं इसे 1.5 घंटे के बाद डीमोल्ड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी है, तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। बटर पेपर लगाया है, उसकी मदद से बहुत ही इजीली बर्फ़ी डीमोल्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो बर्फ़ी की पूरी सीट निकल चुकी है, बहुत ही इजीली, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। तो अब हम बर्फ़ी की सीट से इस बटर पेपर को बाहर कर देते हैं और इसके अब हम पीसेस कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल मार्केट जैसी। मैं तो कहूँगी कि मार्केट से भी अच्छी हमारी घर में ही मिठाई तैयार हो चुकी है। बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बर्फी बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रक्षाबंधन में इसे ट्राई कर सकते हो, या आपको जब भी मीठा खाने का मन करे तब आप इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि इस मिठाई को आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। घर के मौजूदा सामान से बर्फी बन करके तैयार हो जाती है। तो एक बार ट्राई करिएगा, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।